इसके ऊपर जर्नी की जाए। ये देखिए, ये हम बैठे हैं बीच में, इस ट्रक के बीच में बैठ के जर्नी कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये है हमारा सेकेंड डे और आप बोलोगे भाई मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। मैं एक्चुअली स्कॉट वैन में हूँ अभी। मेन ट्रक है, मतलब मैं यहीं पे सोया। ये जो सीट देख रहे हो ना पीछे है, मैं यहीं पे सोया। नींद काफ़ी अच्छी रही कल रात में। 9 बजे से जो सोना शुरू किया है, सुबह 6 बजे तक समझ ही नहीं आया। बात ऐसी हो गई कि हम लोग रुके थे ना पेंच फॉरेस्ट के पास में, वहीं पर रुके थे और पेंच फॉरेस्ट के पास में हो गई ठंड रात में। तो ये सामने देख सकते हो जो मेन ट्रक है, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं सियोनी के पास में, सियोनी के टुवर्ड्स जा रहे हैं, सियोनी के रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। अब बात ऐसी है कि यहाँ से है अराउंड 82 किलोमीटर, अभी इतना दूर है कि जो ट्रक है उसकी स्पीड बहुत कम है। तो आप इसकी स्पीड भी दे सकते हो, 20-30 के ऊपर इसकी स्पीड जाती नहीं है। तो कुछ देर अब मैं आपको यहाँ से शूट करके दिखाऊंगा कि दूर से मतलब कैसा पर्सपेक्टिव मिलता है। अपने साथ इन्होंने देखो वहाँ पे फ्लैग टांगा हुआ है, फ्लैग दिख गया होगा आपको, फ्लैग टांगा हुआ है ये बोलने के लिए कि भाई आगे मत जाना। फ्लाई ओवर आ गया है, अभी फ्लाई ओवर आ गया तो फिर उतर के देखेंगे कि भाई निकल पाएगा कि नहीं। ठीक है, अभी 2 किलोमीटर ही आए थे हम लोग, 3 किलोमीटर, और हमें फिर रोक लिया गया। ये देखो ये ट्रक जो है इसको फिर रोक लिया गया। अब क्यों रोक लिया गया देखो, मैं कई चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। इतना मैं बोल सकता हूँ अगर ऐसे चलेंगे तो 2-3 महीने के बाद ही पहुँचेंगे आगरा। 3 महीने से पहले हम आगरा नहीं पहुँचेंगे अगर ये ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि 3 किलोमीटर भी नहीं चलता है ये और बस रुक जाता है। कुछ ना कुछ लफड़ा, उंगली, हर चीज़ मैं नहीं बता सकता, बट बहुत फनी हो जाता है यार कई बार। खैर, चाय पीने का बहुत मन था लेकिन जंगलों के बीच में चाय मिलनी नहीं है और ठंड अलग पड़ रही है। मैं चाय पीने के लिए रुक गया था, ठीक है, तो भैया ने बोला ठीक है मैं रुक देता हूँ चाय पीने के लिए। हम लोग उस ट्रक को जो है चेस कर रहे हैं, वो जा रहा है हमारा ट्रक, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी हमारी स्पीड है 80 और उसकी स्पीड तो आपको पता है 10-15 के ऊपर अभी होगी नहीं। चढ़ाई चल रही है, सियोनी के पहले कुछ घाटी सेक्शन भी आता है तो वहाँ पे तो शायद हो सकता है कि दूसरा कोई एक और इंजन लगेगा इसको खींचने के लिए। देखो चाय पीने के लिए रुके थे हम लोग 15 मिनट और ये हम लोग आ गए वापस। अभी इसकी स्पीड होगी आराम से 15 की स्पीड होगी इसकी। उतर के बाथरूम जाओ, आराम से मुंह धो के नहा धो के आ जाओ वापस, सबको यहीं मिलेगा ये। इतना स्लो है ये देखो, और ये चल रहा है आराम से अपनी स्पीड में। अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर दूर है सियोनी से। सियोनी एक जगह आती है, ठीक है, नागपुर हाईवे के आसपास है ये जगह, ठीक है। सियोनी एक जगह आती है तो अभी भी 50 किलोमीटर दूर है हम लोग। प्रॉब्लम ये हो रही है ना, ये ट्रक ज़्यादा चल नहीं पा रहा है, मतलब दिक्कत हो रही है कि थोड़ी देर चलता है उसके बाद चलने के बाद। तो एडिटिंग जारी है, ठीक है, 2 मिनट दे दो। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं आप अपनी शॉपिंग कहाँ से करते हो, तो लेट मी टेल यू, महीने में 30-25 दिन तो मैं ट्रैवल करता हूँ। अपनी सारी शॉपिंग करता हूँ अमेजोन से, बिकॉज मुझे टाइम भी डिलीवरी और बेस्ट से बेस्ट ऑफर्स मिलते हैं, खासकर अभी के समय गाइज, मतलब हर एक दिन नए नए ऑफर्स हैं। 2 नवंबर से पहले पहले जाके आप कुछ भी खरीदो, आपको हर जगह कुछ ना कुछ ऑफर जरूर मिलेगा। ये भी मैंने जो हुडी है ये मैंने खरीदी है अमेजोन से, अगर आपको ये खरीदनी है लिंक मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आप स्क्रीन पे अपने देख ही रहोगे यार कितने कमाल के ऑफर्स चल रहे हैं, हर एक घंटे हर एक दिन नया का नया ऑफर है। तो अभी जाके ये हुडी खरीदनी है, हुडी खरीदो, कुछ और कलर सीखे तो वो भी मिल जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं, लिंक इस गेम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लो। अब चलते हैं व्लॉग पे वापस, बिकॉज बहुत बहुत मजा आने वाला है आगे। कभी कुछ आ जाता है ये चल नहीं पा रहा है, और अगर ये ऐसे चलेगा कि ऊपर जर्नी की जाए एक बार। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं यहाँ बैठ के जर्नी करूंगा आप लोगों के लिए, बहुत ही कमाल मजा आएगा आप लोगों को। चढ़ते कैसे हो भैया ऊपर? हैं? बंबू है, बंबू है। यहाँ से चढ़ू मैं? ओहो मजा आ गई गाइस, मजा आ गई। अब मैं इसमें चढ़ूंगा और यहाँ बैठ के मैं ब्लॉग करूंगा आप लोगों को, ठीक है, थोड़ी देर, और टायर के ऊपर बैठूंगा और मजा आएगा। सो फार सो अमेजिंग, प्लान डिसाइडेड है। मैं अपनी कैप, मास्क, सनस्क्रीन वगैरह लगा लेता हूँ,
सब कुछ लगा के यहाँ पे जर्नी की जाएगी कम से कम आधा घंटा, आप लोगों को यहाँ से जर्नी दिखाई जाएगी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो क्या बोल सकते हैं इसको, ये अरे भैया इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो ट्रक है ना बेसिकली ये मेन पावर सोर्स है। ये टोबार जो है इसको बीच मतलब कनेक्टर से कनेक्ट करके इसको जो है पूरा पुल करता है, ठीक है। अभी एक चीज अच्छी क्या है, ये जो इसके टायर्स देख रहे हो ना आप, इतने सारे टायर्स हैं, कम से कम 100-138 टायर्स जितने भी हैं। ये राइट टर्न लेता है ना, राइट टर्न यहाँ पे भी होता है। आई थिंक ये पूरा जो कंट्रोल है इस चीज का इसके थ्रू हो जाता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये काफी बढ़िया चीज है। तो जर्नी अब यहाँ की जाएगी, मास्क वगैरह सनस्क्रीन वगैरह पूरा मैं लगा के आराम से यहाँ बैठूंगा आधा पौन घंटा, और आप लोगों के लिए कमाल के नज़ारे कैप्चर करूंगा। वीडियो देखना शुरू कर रहे हो, लाइक दबा देना, सब्सक्राइब दबा देना, मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप लोगों के लिए मैं कमाल धमाल कंटेंट बनाता रहूंगा। एस्कॉर्ट वैन है, ये एक एक्सयूवी है, काफी आराम से मैं सोया हूँ कल रात में। मैं यहाँ पे सोया हूँ, बैठ के आराम से लेट गया था, दरवाजे बंद कर लिए थे, जंगल के बीचों बीच सोया हूँ मैं कल रात में। डर भी लग रहा था लेकिन जो नींद आई है ना बॉस, इन द मिडिल ऑफ नो वेयर कार के अंदर, पता नहीं। देखो यार होटल में हर कोई सोता है लेकिन कभी ऐसा कभी अगर सो गए ना इन द मिडिल ऑफ नो वेयर, यहाँ पे आसपास कोई ना हो, जंगल के बीच में, कुछ भी हो सकता था, मैं आपसे बता रहा हूँ। जर्नी करेंगे ट्रॉले के ऊपर, ये तो शायद आप पता नहीं पहली बार ही देख रहे होगे, आपने जर्नी देखी होगी ट्रक के अंदर जो मैंने अभी पिछले वाले व्लॉग में की या इस वाले व्लॉग में, पता नहीं, शायद दो व्लॉग करूंगा, एक व्लॉग करूंगा, पता नहीं। घाट सेक्शन आएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आएंगे। ये जो पूरा एरिया पड़ता है ये इंच नेशनल पार्क है ना, उसके अंदर से होकर निकलता है। कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे है बेसिकली जिसमें हम चल रहे हैं। इस टायर के ऊपर बैठूंगा मैं शायद, इसमें जर्नी करने का, इसमें जर्नी करने का समय आ गया। पास में एक दुकान मिल गई मुझे, ठीक है, टॉल प्लाजा के बगल में, रेड बुल से लेके सारी एनर्जी ड्रिंक्स और सब कुछ खाना पीना आपको यहाँ पे मिलेगा। मैंने एक एनर्जी ड्रिंक ली है और एक पॉपकॉर्न लिया है, अभी के लिए थोड़ा बहुत काम चलाएंगे इसको पी के, क्योंकि यही सबसे बेस्ट था। हालांकि इनके पास सब कुछ है, सब कुछ, रेड बुल भी थी इनके पास और चाय वगैरह सब कुछ मिल रही है, बट मैंने एनर्जी ड्रिंक ले ली क्योंकि दिन काफ़ी लंबा है। यहाँ से 3 किलोमीटर बाद एक घाटी है, ठीक है, सिवनी के पहले, और घाटी में सिंगल जो इंजन है ये सिंगल ट्रक नहीं खींच पाएगा, एक और ट्रक आना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ से हम निकल सकते हैं। कब आएगा ये नहीं पता, ये जो चढ़ाई है उसके बाद मतलब वहाँ से हम लोग कितने समय बाद निकलेंगे ये भी नहीं पता, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। और ये देखिए, ये हम बैठे हैं बीच में, इस ट्रक के बीच में बैठ के जर्नी कर रहे हैं। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो देखिए, वो देख रहे हैं, और ये पूरा हाइड्रोलिक से जो तारे हैं ना, इन तारों से इन टायरों में भी जो पूरा कनेक्शन आता है जिससे टायर भी मुड़ते हैं, मतलब आप राइट टर्न लेंगे तो ये टायर भी राइट टर्न मुड़ेंगे। हालांकि धूप बहुत ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन इससे ज्यादा एडवेंचरस क्या होगा पब्लिक। कल मैंने वहां पे जर्नी की, ठीक है, रात में मैं सोया एस्कॉर्ट वैन में और आज मैं जर्नी कर रहा हूँ यहाँ पे। कितना डेंजरस है, डेंजरस तो बहुत ज्यादा है नो डाउट, लेकिन एडवेंचरस है ये भी तो आप समझिए ना। इसकी स्पीड वैसे इतनी है, अभी हम लोग घाट सेक्शन जाएंगे मतलब जो पूरा जो चढ़ने वाला होगा, तो इसकी स्पीड इतनी ही रहेगी वैसे, इससे ज़्यादा तेज़ होने नहीं वाली इसकी स्पीड। और कितना प्रेशर है ना वहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी जब चढ़ेंगे अपन ऐसे इंक्लाइन 45 डिग्री तब आप सोच सकते हैं। Amazing. 40 किलोमीटर दूर है हम सिवनी से, मुझे लगता है कि दिन ढलते ढलते हम सिवनी पहुंचेंगे। यहां से निकलने के बाद इन लोग इंस्पेक्शन करके आएंगे कि इसको ले जाया जा सकता है कि नहीं, इंस्पेक्शन करने के बाद इसको तब लेके जाएंगे, मतलब ये जो ट्रक है ना ये 2 राउंड लगाएगा, पहले जाएगा ऐसे देखने के लिए कि सब ठीक है, उसके बाद इसको लेके जाएंगे। अब आप समझे कि इसको आगरा पहुंचने में 25 दिन क्यों लगते हैं, ये रीज़न है। मज़ा आ गई बॉस, मुझे खुद अपनी लाइफ में ये सब जानने को मिला और ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी आप समझ ही रहे होंगे। और जूते मेरे ब्लैक हैं तो सारी हीट अब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं मेरे जूते, लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूँ, रात में नींद बड़ी अच्छी रही, काफ़ी आराम से मैं सोया हूँ, काफ़ी कंफर्टेबली सोया हूँ, नींद काफ़ी अच्छी रही है। आगे जो है जो सीट होती है ना कार की, मैंने उसको पूरा बिठा लिया था, पूरा गिरा लिया था, तो नींद काफ़ी अच्छी हुई है, तो काफ़ी एनर्जी है और काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ। और हाँ, सुबह सुबह एनर्जी ड्रिंक भी पी ली मैंने, वो भी एक काफ़ी काम की चीज़ है। सो फार सो अमेजिंग है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि कल से मैंने खाना कुछ भी नहीं खाया है, लाइक प्रॉपर खाना मैंने कल से नहीं खाया है। आज दोपहर में सिवनी या फिर अगर मैं नागपुर पहुँच जाता हूँ शाम तक वापस, तो पक्का कुछ ना कुछ खाऊंगा, लेकिन अभी तो भाई कुछ भी नहीं है।
और अभी हम हैं एमपी बॉर्डर में, यहाँ से हम एमपी एंटर कर रहे हैं। अभी तक हम महाराष्ट्र में थे, अब हम जाके एमपी एंटर कर रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस करते हो ना, तो वो आने वाले ट्रक्स हैं, ये जाने वाले ट्रक्स हैं। लेकिन जब कुछ आप ऐसा लेके जाते हो जिसमें 148 टायर्स होते हैं, उसको साइड पे लगाना पड़ता है, अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। और हाँ, इसके जो टैक्सेस है ना, जो भी आप गेस कर रहे हो ना, गलत ही है, उससे कहीं ज़्यादा है। जितना भी गेस कर लो आप, उससे ज़्यादा ही निकलेगा जितना टैक्स लगता है। अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ ना, कि अगर हैदराबाद से आगरा ये जा रहा है, इसकी अगर टोटल कॉस्ट की बात करूँ, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना पैसा लगता है इसको ले जाना आगरा तक। पैसा, हार्डवर्क, पेशेंस, परसिस्टेंस, बॉर्डर के उस पार जा रहे हैं, ठीक है, रास्ता चेक करने, मतलब इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं कि भाई रास्ता कैसा है और पॉसिबल है क्या कि एक इंजन के साथ इतने बड़े ट्रक को खींच लिया जाए। तो ये हम देखने जा रहे हैं, अब देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। और भाई जी, अच्छा एसी चालू है, चलो ठीक है। इंस्पेक्शन के बाद मालूम पड़ा है कि दूसरी गाड़ी लगेगी, ठीक है, उसको खींचने के लिए, पूरे ट्रॉले को खींचने के लिए एक और इंजन लगेगा, मतलब दो इंजन लगेंगे, तब जाके वो सिवनी पहुंच पाएगा, बिकॉज चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा वाला इंजन है, मतलब दूसरा वाला जो ट्रक है जो खींचेगा, वो कब आएगा ये नहीं पता। और भी काफ़ी डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो प्रोसेस में हैं, वो भी कब तक कंप्लीट हो गए ये भी नहीं पता, हो सकता है 2 दिन लग जाएँ, 3 दिन लग जाएँ। अनफॉर्चुनेटली क्या, हमने फाइनली 2 दिन बिताए हैं उस ट्रक में, और अब समय आ गया है कि जर्नी को समाप्त किया जाए। दो ट्रक, दूसरा 3-4 दिन बाद आएगा, 3-4 दिन मैं नहीं रुक सकता, बहुत सारे कमिटमेंट्स, बहुत सारे काम हैं और ज़्यादा। यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, सब देख सकते हो सिवनी है, 6 किलोमीटर, मंडला 131। अगर शाम तक भी आ रहा होता तो मैं रुक जाता, ठीक है, इतना पेशेंस है, लेकिन 3 दिन तक मैं नहीं रुक सकता। मालूम चला है कि सिंगल इंजन में नहीं आ पाए, लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है और चढ़ाई ऐसी 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 है। बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पता नहीं आधे एमपी में जाती होगी, सिवनी में जाती होगी, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाती होगी। तो ये जो हम लेके आए ना इतनी दूर से, ये 225 टन का अगर ट्रांसफार्मर, यहीं जाके फिट होगा। बहुत 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 लंबी जर्नी ख़त्म होती है यहीं पे, मैं आ गया हूँ सिवनी। ट्रक जो है 2-3 दिन वहीं पर रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि वो डॉक्यूमेंटेशन हैं बहुत सारे, ऊपर से एक और ट्रक चाहिए उसको खींचने के लिए, तो बहुत लंबा काम है। कब आएगा, कब मिलेगा, कुछ नहीं पता। और आगरा शायद ये ना को अगले साल ही पहुँचे 2022 में, जिस हिसाब से चल रहा है। बट हमने कवर किए हैं कुछ 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर कवर किए हैं कुछ। नागपुर के पहले से आ रहे हैं हम, बूटीबोरी से आ रहे हैं, ये कोई एक गांव है नागपुर के पहले। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। और ये लोग जो हैं आगे निकल जाएंगे, मेरा सामान रेडी है, बाय बाय।